नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन के रूप में। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। कोरोना लॉकडाउन राहत पैकेज, 20 करोड़ जनधन खाता धारक महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए महीना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि 20 करोड़ जनधन खाता धारक महिलाओं को अगले 3 महीने तक 500 रुपए महीने दिए जाएंगे, ताकि घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें मदद मिल सके। इसके अलावा सरकार ने राहत के तौर पर और भी कई बड़े ऐलान की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इस दौरान उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 63 लाख महिला स्वसहन मुक्त ब्याज दोगुना कर 20 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। इससे 7 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाओं को 3 महीने तक 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। ये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। 3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईपीएफ में योगदान देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए हैं। अगले 3 महीने तक 12+12% ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। यह वहाँ लागू होगा जहाँ 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी 15,000 से कम वेतन पाते हैं। सरकार ने बताया है कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर फंड से 3.5 रजिस्टर्ड मजदूरों को लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं उसमें 31,000 करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाए। कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते के 75% जमा राशि व 3 महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति दी जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी 50 लाख का बीमा कवर तैयार किया गया है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जुड़े डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा भी की गई है। वहीं मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए तय किया गया है। इससे 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में 2,000 रुपए का अग्रिम भुगतान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि राशन की दुकानों से 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ ही 1 किलो दाल 3 महीने तक फ्री दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, सरकार ने काफी ज्यादा ऐलान किए हैं जिससे कि देश के हर वर्ग के व्यक्तियों को जो है कुछ ना कुछ लाभ दिया गया है। और दोस्तों, आपको ये घोषणाएं कैसी लगी? मोदी सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए या फिर ये देश के लिए पर्याप्त है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से 900 लोगों को संक्रमण का खतरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से करीब 900 लोगों को संक्रमण का खतरा पैदा हो चुका है। दरअसल दिल्ली के मोजपुर मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर के संपर्क में करीब 900 लोग आए थे। डॉक्टर गोपाल झा की पत्नी बेटी समेत 8 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सभी 900 लोगों से संपर्क किया जा रहा है, सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से लौटी महिला के जरिए डॉक्टर गोपाल झा को संक्रमण हुआ और इसी के बाद ही गोपाल झा ने जो है जिन 900 लोगों का इलाज किया या फिर उन्हें देखा, उन सभी को भी जो है क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। 5 करोड़ मनरेगा मजदूरों के लिए हुआ है बड़ा ऐलान, अब इतने रुपए मिलेगी दिहाड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सरकार ने आज एक और राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज रखा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को कैश ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वालों की सैलरी बढ़ा दी है। मनरेगा दिहाड़ी अब 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। इसके तहत आने वाले 5 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब बेवजह घर से निकले तो थाने में 1 घंटे का कोरोना वीडियो दिखाएगी पुलिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को 100% सफल बनाने के लिए रांची पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। अब बिना किसी काम के सड़कों पर निकलने वालों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाया जाएगा और कोरोना वायरस से बचाव का 1 घंटे का वीडियो दिखाया जाएगा। इसके बाद चेतावनी देकर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। अगर पकड़े गए लोगों की संख्या ज्यादा होती है तब उन्हें एक साथ वीडियो नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक
साथ दो लोगों को अलग अलग बैठाकर वीडियो दिखाया जाएगा, बाकी को अपनी पारी का इंतजार करना होगा। थाने में कम जगह होने पर एक एक कर लोगों को वीडियो दिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डंडे और उठक बैठक के बाद भी लोग जो है ज्यादा मात्रा में घरों से निकल रहे हैं और लोग ज्यादातर सड़कों पर घूम रहे हैं बेवजह। इसीलिए पुलिस ने जो है एक और अनोखा तरीका निकाला है जिससे कि लोगों को जानकारी भी हो और वो घर से भी कम निकले। कोरोना वायरस लॉकडाउन, यूपी में पान मसाला गुटखा की बिक्री और उत्पादन पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए पूरे देश में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में पान मसाला और गुटखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने प्रदेश में गुटखे का निर्माण भंडारण के साथ ही वितरण भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने यह फैसला किया है। सरकार का मानना है कि लोग पान मसाला और गुटखा खाकर सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं। खाद्य अधिनियम के धारा 30/2 के तहत यह फैसला किया गया। इस संबंध में उच्च आयुक्त को भी संदेश दे दिया गया है। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने जो है पूरी यूपी के अंदर जो है गुटखे का निर्माण करना, गुटखे को बेचना, वहीं गुटखे को खाना पूरा गैरकानूनी बना दिया। अगर इसे कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही दोस्तों आपके लिए आज का सवाल, जी हां दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है कि कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के किस शहर में फैला था। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के किस शहर में फैला था। फटाफट से आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। हिमाचल में रोज 6 घंटे मिलेगी कर्फ्यू में ढील, सरकार ने दी है राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हिमाचल में लगाए गए कर्फ्यू में सरकार ने आधे दिन की ढील दे दी है। पूरे प्रदेश में रोजाना 7 से 1 बजे तक राशन और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर खरीदारी के लिए छूट रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उपायुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया गया है। सीएम ने उपायुक्तों को बड़ी दुकानों से शहरी क्षेत्रों में होम डिलीवरी की संभावनाओं को देखने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों को कम से कम सुविधा हो, इसीलिए उन्होंने उपायुक्तों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि हर व्यक्ति की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर पाए और यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान लोगों को मध्यम उचित सामाजिक दूरी रखनी होगी और साथ ही इस अवधि में लोग जो है बिना किसी कारण के बाहर नहीं निकले। इसके अलावा कर्मचारी अपना स्थान न छोड़े क्योंकि उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छूट के दौरान किसानों और बागवानों के लिए खाद की भी उपलब्धता करवाई जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए 104 और 1077 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। छूट के दौरान घर से एक ही व्यक्ति को आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए बाहर जाने की इजाजत दी गई है। अब 24 घंटे मिलेंगे सभी जरूरी सामान, मुंबई और दिल्ली में दिन रात दुकानें खोलने का फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। लॉकडाउन में सभी बाजार, मॉल, दफ्तर और उद्योग धंधे बंद रहेंगे। हालांकि खाने पीने, दवा आदि समेत जरूरी सेवाएं लॉकडाउन में भी जारी रहेंगी, फिर भी लोगों को परेशानी न हो इसके लिए महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने जरूरी सामान की दुकानें दिन रात यानी कि 24 घंटे खुले रखने का फैसला किया। दोनों राज्यों की सरकारों ने दुकान पर जुटने वाली भीड़ को देखते हुए फैसला किया है। जब रात में भी दुकानें खुली रहेंगी तो लोगों को दिन में भी राशन इकट्ठा करने की चिंता नहीं होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक हाई लेवल कमेटी में चर्चा के बाद यह फैसला किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि कोरोना वायरस की कोर कमेटी ने किराने और जरूरी सामान की दुकानों को सप्ताह में 24 घंटे काम करने के लिए प्रोत्साहन करने का फैसला किया है। साथ ही इस दौरान ई कॉमर्स कंपनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते दिल्ली और मुंबई में 24 घंटे दुकानें खोली जाएंगी ताकि भीड़ न हो और कोरोना वायरस के बढ़ने का खतरा न हो। सैनिटाइजर की सप्लाई सुधारने के लिए सरकार का बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब से कोरोना वायरस का अटैक हुआ है तब से ही हाथ साफ करने वाले हैंड सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आलम यह है कि बाजार से सैनिटाइजर गायब हो चुके हैं और अगर कहीं मिल भी रहे हैं तो काफी महंगे हैं या फिर मिलावटी सैनिटाइजर मिल रहे हैं। सैनिटाइजर की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सैनिटाइजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने सैनिटाइजर का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार ने राज्य आबकारी आयुक्तों, गन्ना आयुक्तों, डग नियंत्रणों के साथ साथ विभिन्न राज्यों के जिला कलेक्टरों को हैंड सैनिटाइजर के निर्माताओं को इथेनॉल EAN की आपूर्ति में किसी भी अड़चन के लाइसेंस देने की बात कही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुगर मिलों में भी अब सैनिटाइजर का निर्माण किया जाएगा। सैनिटाइजर के निर्माण पर सरकार जो है काफी सख्त कदम उठा रही है और इसकी सप्लाई जो है पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा हो और इसके निर्माण पर जो है पूरी तरह से सरकार ध्यान दे रही है ताकि इसकी कीमतें ना बढ़ें और अच्छे से पूरे भारत में सप्लाई हो सके।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खोला खजाना, कोरोना फंड में दिए 100 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। बिहार में कोरोना वायरस के 6 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से एक मरीज की मौत हो चुकी है। कोरोना संदिग्धों की जाँच जारी है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए फंड देने का ऐलान किया है। इस राशि का उपयोग लॉकडाउन के कारण बिहार के भीतर जो मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला वेंडर एवं अन्य गरीब लोग जो कि फंसे हुए हैं, उनके लिए आपदा राहत केंद्र बनाने और उनके भोजन आवास की व्यवस्था करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग बिहार के बाहर के राज्यों में फंसे हैं और रास्ते में जहां कहीं भी हैं, उन्हें स्थानीय आयुक्त के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारें एवं स्थानीय प्रशासक के साथ समन्वय स्थापित कर वहीं पर भोजन और आवास की व्यवस्था बिहार सरकार के खर्चे पर करवाई जाएगी। कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए आपदा राहत केंद्रों पर संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ाई जाएंगी, ताकि बिहार में जो है इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट जो है तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट।